हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डिटरमिनेंट्स को। तो यहाँ हम लोग समझने वाले हैं कि डिटरमिनेंट्स होता क्या है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम लोग किस तरीके से निकाले। अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है तो उसके हर एक एलिमेंट्स का किस तरीके से हम लोग माइनर या फिर को फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें समझने वाले हैं। सारे टॉपिक बहुत सिंपल है, तो बहुत अच्छे से समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, अगर हम डिटरमिनेंट के बारे में बात करें तो डिटरमिनेंट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एग्जिस्ट होता है। ये क्लियर मीन्स, अगर एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो वैसे मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये पहले चीज दिमाग में रख लीजिए। नाउ, अब डिटरमिनेंट होता क्या है? तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो कि एसोसिएट हो सकता है किसी एक खास एक्सप्रेशन या फिर नंबर के साथ, तो वही जो खास एक्सप्रेशन या फिर नंबर है वही उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कहलाएगा। तो यहाँ पे हम डिटरमिनेंट को डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड टू एन एक्सप्रेशन और अ नंबर विच इज नोन एज इट्स डिटरमिनेंट्स। ये क्लियर। अब यहाँ पे अगर मान लें कि ए जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका हर एक एलिमेंट रिप्रेजेंट किया जा रहा है ए आई जे से, जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर मान लेते हैं एन है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डी टी ऑफ ए, इसको हम डिटरमिनेंट ऑफ ए भी रीड कर सकते हैं, या फिर मॉड ए सिंबल से भी हम डिटरमिनेंट ऑफ ए को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये क्लियर। अब अगर अलग अलग ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स है तो किस तरीके से हम उन सभी का डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं, तो इसको समझते हैं। देखिए, डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर वन, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है जिसका ऑर्डर वन क्रॉस वन है, ठीक है, तो हम डिटरमिनेंट किस तरीके से निकालेंगे, तो चलिए समझते हैं। अगर हम एक मैट्रिक्स कंसीडर कर ले, ए मैट्रिक्स वन क्रॉस वन ऑर्डर है, इट मीन्स कि इस मैट्रिक्स में सिंगल एलिमेंट ही होंगे। मान लेते ये एलिमेंट है स्मॉल ए, तो यहाँ डिटरमिनेंट ऑफ कैपिटल ए ये क्या मिल जाएगा, यही मिल जाएगा जो एलिमेंट है, यही इसका डिटरमिनेंट बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर बी मैट्रिक्स हम कंसिडर करें वन क्रॉस वन ऑर्डर का, मीन्स सिंगल एलिमेंट ही होगा, मान लेते वो एलिमेंट फाइव है। सी मैट्रिक्स कंसिडर कर ले माइनस टू, डी मैट्रिक्स कंसीडर कर ले माइनस टेन, तो यहां से हम डिटरमिनेंट ऑफ बी ये हम लिख सकते हैं, यहाँ फाइव एलिमेंट तो डिटरमिनेंट ऑफ बी ये भी फाइव बनेगा। यहां से डिटरमिनेंट ऑफ सी ये माइनस टू आएगा, और यहां से डिटरमिनेंट ऑफ डी ये हम लिख सकते हैं माइनस टेन। नेक्स्ट है डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू, अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है जिसका ऑर्डर टू क्रॉस टू है, तो हम किस तरीके से डिटरमिनेंट निकाले, तो चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले एक ए मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं टू क्रॉस टू ऑर्डर का, यहां पे अगर हम एलिमेंट कंसीडर कर ले स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी, तो यहां से हम डिटरमिनेंट ऑफ ए ये क्या लिख सकते हैं, तो सबसे पहले परफॉर्म दिस क्रॉस दिस, तो ए इंटू डी ए डी, देन राइट माइनस, देन परफॉर्म दिस क्रॉस दिस, तो सी इंटू बी सी बी, तो ए डी माइनस सी बी will be the determinant of A. For example, अगर एक B matrix दिया हुआ है 2 cross 2 order का, यहां हम element consider कर ले 2, 3, 4, 7, तो यहां से अगर हम determinant of B लिखना चाहे तो ये क्या बनेगा, तो perform this cross this, तो 2 into 7, right 14, then right minus, then perform this cross this, 4 into 3, 12, 14 minus 12, 2, तो डिटरमिनेंट ऑफ बी क्या आ गया, टू आ गया। अब यहां पे हम ए डी माइनस सी बी करके ही डिटरमिनेंट क्यों निकाले, ए बी माइनस सी डी क्यों नहीं किए, तो इसके लिए आपको माइनर और कोफैक्टर समझना पड़ेगा। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में हर एलिमेंट का माइनर्स और कोफैक्टर्स निकाला जा सकता है, तो ये हम निकालते कैसे हैं, होता क्या है, अब इसको समझते हैं। तो देखिए, यहां पे इस पोजिशन को हम कहते हैं वन वन, वन टू, टू वन, टू टू। यहाँ टू वन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो एलिमेंट है ये सेकेंड रो कॉलम का है, तो यहाँ पे चार एलिमेंट है, चारों का अलग अलग माइनर निकाल सकते हैं, एम वन वन, एम वन टू, एम टू वन, एम टू टू, और इसी तरीके से चारों का कोफैक्टर निकाल सकते हैं, सी वन वन, सी वन टू, सी टू वन, सी टू टू। ये क्लियर। जब हम माइनर्स निकालेंगे वन वन के लिए, तो वन वन पोजिशन ये है, तो इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम इस सारे एलिमेंट को डिलीट कर दीजिए, बचा ये सेवन, तो सेवन का डिटरमिनेंट सेवन। ये क्लियर। अगर आपके पास मैट्रिक्स टू क्रॉस टू का है, तो माइनस इसके लिए ऑर्डर क्या बनेगा मैट्रिक्स का, वन क्रॉस वन। देखिए, वन वन के लिए निकाल रहे थे ये अलग,
ये अलग, सिर्फ 7 मिला। तो अगर सिर्फ मैट्रिक्स में 7 है एलिमेंट तो उसका ऑर्डर क्या होगा, 1+1। तो अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 है तो माइनस का ऑर्डर क्या होगा, 1। मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है तो माइनस का ऑर्डर क्या होगा, 2। ये क्लियर। अब 1, 2, इसके लिए अगर माइनस निकाले तो 1, 2 पोजीशन ये है, इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम अलग कर दीजिए, बच रहा है 4। तो डिटरमिनेंट ऑफ 4 आएगा, 2, 1 करस्पॉन्डिंग रो कॉलम के सारे एलिमेंट अलग, बच रहा है 3। तो डिटरमिनेंट ऑफ 3 आएगा, 2, 2 पोजीशन ये है तो करस्पॉन्डिंग रो कॉलम के सारे एलिमेंट अलग, बच रहा है 2। तो डिटरमिनेंट ऑफ 2 आएगा। अब को फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, तो देखिए ये होता है Cij इक्वल्स टू -1 to the power i+j इंटू Mij। तो यहां पे जब हम C11 निकालेंगे तो यहां पे ये बनेगा -1 to the power 1+1 इंटू -1 7। यहां पे ये बन जाएगा -1 to the power 1+2 इंटू M12 4। यहां पे ये बन जाएगा -1 to the power 2+1 इंटू M21 3। ये बनेगा -1 to the power 2+2 इंटू M22 2। तो देखिए 1+1 2 इवन है तो -1 की इवन पावर +1 मिलेगा, तो 1 × 7 7। 1+2 3 ऑड है तो -1 × 4 -4। 2+1 3 ऑड है तो -1 × 3 -3। -1 to the power 4 इवन है तो 1 × 2 2। तो ये आपका कोफैक्टर आ गया। अब डिटरमिनेंट हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अगर हम फर्स्ट रो के अलॉन्ग फाइंड करना चाहते हैं तो फर्स्ट रो में जो एलिमेंट है और इसका जो कोफैक्टर है इनका प्रोडक्ट करते जाइए। इसी प्रकार जितने भी एलिमेंट है और जितने भी कोफैक्टर्स है सबका प्रोडक्ट करके सबको सम कीजिए, मीन सबका सम ऑफ प्रोडक्ट कीजिए, डिटरमिनेंट आ जाएगा। तो देखिए अगर हम फर्स्ट रो के अलॉन्ग डिटरमिनेंट निकाले, यहां पे 1-1 पोजीशन पे एलिमेंट क्या है, 2। 1-1 का कोफैक्टर क्या है, 7। तो इनका प्रोडक्ट किए, अब प्लस करना है, सम ऑफ प्रोडक्ट करना है। नेक्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट रो में 3 और ये 1-2, तो C12 ये आया था -4। यही चीज हम यहां कर रहे हैं, 2 × 7 14 और फिर ये बन रहा है -12। तो 14 − 12 डिटरमिनेंट आ रहा था 2। ये क्लियर। तो ये हम फर्स्ट रो के लॉ एक्सपेंड करके डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, इसलिए ये बन रहा है AD − CB। ये क्लियर। अब न सिर्फ फर्स्ट रो के अलॉन्ग बल्कि हम सेकेंड रो के अलॉन्ग भी डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। यहां पे एलिमेंट क्या है, 4, 2, 1 ये मिल रहा है -3। देन प्लस सेकेंड रो में दूसरा एलिमेंट है 7, 2, 2 C22 आ रहा है 2, ये भी कीजिए तो -12 + 14 स्टिल डिटरमिनेंट 2 ही आ रहा है। अगर हम फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग भी डिटरमिनेंट निकाले तो भी सेम बनेगा। तो कॉलम में ये दो एलिमेंट है, एलिमेंट है 2, इसका को फैक्टर 7। देन नेक्स्ट एलिमेंट है 4, तो ये है 2, 1 यहां को फैक्टर है -3। 14 − 12 2 आ रहा है। सेकेंड कॉलम के लॉन्ग भी हम डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, एलिमेंट है 3 तो 1, 2 − 4 और फिर प्लस दूसरा एलिमेंट है 7, 2, 2 पोजीशन पे C22 2 है। तो देखिए -12 + 14 स्टिल डिटरमिनेंट 2 आया। तो आई होप कि ये क्लियर है कि हम AD − CB क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं लॉन्ग। नेक्स्ट है फर्स्ट। अब अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन हो जिसका ऑर्डर 3×3 है तो डिटरमिनेंट कैसे निकालना है इसको समझते हैं। तो सबसे पहले एक मैट्रिक्स कंसिडर कर लेते हैं A, जिसका ऑर्डर मान लेते हैं 3×3 का है। यहाँ पे एलिमेंट अगर मान ले A, B, C, D, E, F, G, H and I है, तो यहां से हम डिटरमिनेंट ऑफ A ये क्या लिख सकते हैं। तो देखिए तो सबसे पहले तो बहुत ही सिंपल अप्रोच समझिए, यहां सबसे ऊपर प्लस माइनस प्लस फर्स्ट रो के जितने भी एलिमेंट है इनके टॉप पे अल्टरनेटिवली प्लस माइनस प्लस लिख देना है, ठीक है। अब यहां से प्लस A, तो A यहां लिखना है। अब इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम के सारे एलिमेंट को अलग कीजिए, बच रहे हैं ये 4 एलिमेंट, तो इनका डिटरमिनेंट तो राइट EF HI, ये क्लियर। देन राइट -B और इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम के सारे एलिमेंट को अलग कीजिए, बच रहे हैं ये 4 एलिमेंट, तो इनका डिटरमिनेंट तो DF GI, ये क्लियर। देन राइट +C
अब इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम के सारे एलिमेंट को अलग कीजिए, बच रहे हैं ये चार एलिमेंट, तो इनका डिटर्मिनेंट डी ई जी एच, तो यही डिटर्मिनेंट ऑफ ए बनेगा। अब ये बनता कैसे है, इसको भी थोड़ा विजुअलाइज करते हैं। तो देखिए, अभी हमने समझा था कि डिटर्मिनेंट हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग फाइंड कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ फर्स्ट रो के अलॉन्ग डिटर्मिनेंट निकाले, तो ये हम निकालेंगे कैसे, तो फर्स्ट रो में जितने भी एलिमेंट है और उनका कोफैक्टर, उन सब का सम ऑफ प्रोडक्ट कर दीजिए, यू विल गेट डिटर्मिनेंट। और वही चीज़ हम यहाँ कर रहे हैं। देखिए कैसे कर रहे हैं, तो सबसे पहले अगर हम एलिमेंट लिखे ए, अभी ये प्लस माइनस प्लस भूल जाइए, ठीक है, सबसे पहले एलिमेंट लिखे ए, तो ये कौन सा पोजीशन है, वन वन, तो वन वन पोजीशन का कोफैक्टर ये भी लिखना पड़ेगा, तो सी वन वन यहां से क्या मिलेगा, तो सी वन वन मिलेगा माइनस वन टू द पावर वन प्लस वन इंटू एम वन वन, और एम वन वन क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम के सारे एलिमेंट को अलग कर दीजिए, बच रहे हैं ये चार, तो इनका डिटर्मिनेंट, ये क्लियर। देन ये देखिए, ये आपका कोफैक्टर हो गया और ये आपका एलिमेंट हो गया, तो इनका प्रोडक्ट करते जाइए, ऐसे ही हर एक का निकालना है और उन सबको सम कर दीजिए, ये कहलाता है सम ऑफ प्रोडक्ट। तो राइट प्लस, देन एलिमेंट क्या है बी, देन सी वन टू, सी वन टू क्या मिलेगा, माइनस वन टू दी पावर वन प्लस टू इंटू एम वन टू, एम वन टू कैसे निकालेंगे, तो इसके रो में जितने भी एलिमेंट है और इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में जितने एलिमेंट है इनको अलग कर दीजिए, बच रहे हैं ये चार, तो इनका डिटर्मिनेंट डी एफ जी आई। देन राइट प्लस, देन एलिमेंट कौन सा है नेक्स्ट, फर्स्ट रो में सी, देन सी वन थ्री, ये हम कैसे निकालेंगे, माइनस वन टू दी पावर वन प्लस थ्री, ठीक है, और फिर एम वन थ्री, एम वन थ्री कैसे निकलेगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम के सारे एलिमेंट को अलग कर दीजिए, ये चार एलिमेंट मिल रहे हैं, इनका डिटर्मिनेंट तो डी ई जी एच, और वही चीज हम यहां लिखें। देखिए यहां माइनस वन टू दी पावर ये इवन है, तो ये मिल गया प्लस वन, तो प्लस वन इंटू ए ए, और फिर ये एज इट इज, यहां पे ये माइनस वन टू दी पावर थ्री, माइनस वन इंटू बी माइनस बी, और देन ये पार्ट यहां पे है, देन माइनस वन टू दी पावर फोर प्लस वन इंटू सी प्लस सी, और फिर ये पार्ट यहां लिखे हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको डिटर्मिनेंट को समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब एग्जाम्पल भी एक कंसिडर कर लेते हैं। अब अगर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है टू थ्री फोर, वन टू थ्री, वन वन टू, अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो कैसे निकाले, तो सबसे पहले राइट प्लस माइनस प्लस ऑन द टॉप ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो, देन राइट प्लस टू, और उसके बाद इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम के सारे एलिमेंट को अलग करने पे ये चार एलिमेंट मिल रहे हैं, तो इनका डिटर्मिनेंट, देन राइट माइनस थ्री, ये अलग ये अलग ये चार मिल रहे हैं, तो राइट वन थ्री वन टू, ये क्लियर, देन राइट प्लस फोर, ये अलग ये अलग ये चार बच रहे हैं, तो वन टू वन वन, इनका डिटर्मिनेंट, ये क्लियर। तो ये यहां से मिल जाएगा टू, यहां से इसका डिटर्मिनेंट फोर माइनस थ्री वन, देन इस पार्ट का डिटर्मिनेंट टू माइनस थ्री माइनस वन, देन यहां पे डिटर्मिनेंट वन माइनस टू माइनस वन, तो ये आ गया टू प्लस थ्री माइनस फोर, तो फाइव माइनस फोर वन, ये आंसर होगा, ये क्लियर। और ना सिर्फ हम फर्स्ट रो के लॉन्ग निकाल सकते हैं, फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग भी निकाल सकते हैं, सेकेंड रो के लॉन्ग भी निकाल सकते हैं। अब अगर हम मान लेते हैं कि फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग हम डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकाले, तो देखिए यहां पे ये वन वन पोजिशन है, तो राइट प्लस टू वन, टू प्लस वन थ्री ऑड है, तो राइट माइनस, थ्री वन पोजिशन है, थ्री प्लस वन इवन, तो राइट प्लस, देन राइट प्लस टू, फिर ये और ये अलग, ये चार बच रहे हैं, तो इसको लिख दीजिए, देन राइट माइनस वन, फिर ये अलग ये अलग ये चार बच रहे हैं, तो इनको लिख दीजिए थ्री फोर एंड वन टू, देन राइट प्लस फोर, सॉरी यहां पे प्लस वन, ये अलग ये अलग ये चार बच रहे हैं, तो इनको लिख दीजिए थ्री फोर टू थ्री, अब ये बन जाएगा टू, फोर माइनस थ्री वन, सिक्स माइनस फोर टू, नाइन माइनस एट वन, ये आ गया टू माइनस टू कैंसिल, यहां से भी डिटर्मिनेंट वन ही आ रहा है। आपके पास थ्री क्रॉस थ्री का एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन हो, तो इसका डिटर्मिनेंट हम बाय द यूज ऑफ सारस मेथड भी निकाल सकते हैं।
अब ये सारस मेथड से कैसे निकालेंगे तो इसको भी समझिए। तो सबसे पहला काम ये करना है कि ये जितने भी एलिमेंट है इनको एज इट इज यहाँ नीचे लिख देना है। तो देखिए राइट 2, 4, 1, -1, 1, -1, 3, 2, 5, ये क्लियर। अब फर्स्ट टू कॉलम को एज इट इज कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दीजिए राइट साइड में। तो 2, 4, 1 राइट 2, 4, 1। सेकेंड कॉलम -1, 1, -1, तो -1, 1, -1, ये क्लियर। अब इनका इन सबका जो है आपको सम ऑफ प्रोडक्ट करना है। तो देखिए डिटरमिनेंट इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 2 × 1 × 5 तो 10, देन -1 × 2 −2 × 1 −2, 3 × 4 = 12, 12 × −1 −12, तो इन सबका सम ऑफ प्रोडक्ट किए, देन राइट माइनस। अब हमें इन सबका सम ऑफ प्रोडक्ट करना है, ये क्लियर। तो यहां से -1 × 4 −4 × 5 −20, 2 × 2 = 4, 4 × −1 −4, देन 3 × 1 = 3, ये क्लियर। ये डिटरमिनेंट बन जाएगा 10 − 2 = 8, 8 − 12 −4, यहां से मिल गया −24 + 3 − 21, तो ये बन गया −4 + 21, तो ये आ गया 17, ये डिटरमिनेंट बनेगा। तो 3×3 ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स है तो यहाँ पे आप सारस मेथड को भी यूज करके डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं।